हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। और जैसा कि सर ने कल बताया था, मेंशन किया था कि यूपी पीसीएल टीजी टू की जो टेक्निकल क्लासेस हैं, यूपी पीसीएल टीजी टू की जो टेक्निकल क्लासेस हैं 150 नंबर्स की वो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगी। और ये जो क्लासेज हैं इसमें सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव कराऊँगी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें। और ऑब्जेक्टिव के थ्रू जितने भी आपके टॉपिक हैं इसमें कवर किए जाएंगे, ऑल आउट जितने भी टॉपिक हैं इसमें वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। बशर्ते इतना है कि ये सारे जितने भी होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम है नहीं कि सारी पूरी थ्योरी पढ़ाई जाए यहाँ पे, और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि नहीं थ्योरी पढ़ा के और सारा कुछ कवर किया जाए। इसलिए जो छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक और छोटे टॉपिक के अंतर अंदर जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं मेंशन कर सकती हूँ, ये सारे ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही हो सकता है पॉसिबल। तो किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक से यहाँ पर लिए जाएंगे नियर अबाउट 50 टू 60 क्वेश्चंस। और ये 50 टू 60 क्वेश्चन सफिशियंट होंगे आपके 150 क्वेश्चन के नियर अबाउट। इसके बाद फिर इसमें कुछ टॉपिक हैं, जो टॉपिक हैं वो सारे बेसिक हैं, और बेसिक इलेक्ट्रिकल है, पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और यूटिलाइजेशन है। ये सारे आपके बेसिक ही आने वाले हैं इसमें। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईटीआई लेवल है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है। देन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है बेसिक इलेक्ट्रिकल से है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल से। और अभी जो मैं पूरा ये पोर्शन पढ़ाने जा रही हूँ वो सारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज होगा 150 क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा वेटेज होने वाला है वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का, बेसिक इलेक्ट्रिकल का सबसे ज्यादा पोर्शन इसमें आने वाला है। देन पावर सिस्टम का, फिर यूटिलाइजेशन, और जो सबसे कम पोर्शन जो आएगा आपके इस सिलेबस में वो होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको जो कंसीडर करना है वो सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए मैंने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन ही हैं, और जितने भी बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बस आपको ये है कि यहाँ मैं जितने भी टॉपिक बताऊँगी यहाँ पे इससे रिलेटेड जितना भी बताऊँगी वो आपको कवर करते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर आवेश, सिर्फ मैं एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगी यहाँ पे, क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी पूरा टॉपिक है वो पूरा मैं टॉपिक कवर करूंगी, और उसी टॉपिक के थ्रू इससे भी अदर जितने भी आपके आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप कंफर्म हो जाएंगे उन क्वेश्चन के लिए। तो एक क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, दैट मीन कि आपको यहाँ पर लेना है न्यूट्रॉन और आवेश। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आवेश क्या होता है, और आवेश को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो समझना पड़ेगा वो एटम है। तो एटम, चूंकि आप 10th लेवल पे पढ़ते आए हैं, 8th लेवल पे भी पढ़े हैं कि एटम में क्या होता है, कोई भी चीज जो बनी होती है वो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी वो एटम ही होती है। और एटम में भी जो पार्टिकल होते हैं वो 3 पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि 3 पार्टिकल से ही मिलकर आपका एटम बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है सिर्फ एटम की। एटम में अभी आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, और जो सेकंड चीज है वो इस एटम का, वो इस एटम का ऑर्बिट है, वो इस एटम का क्या है, ऑर्बिट है। तो ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस में जो होता है वो आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसकी जो ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। बस आपको 3 पार्टिकल की स्टडी करनी है यहाँ पे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर ये 3 पार्टिकल्स आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा जिसको कंसीडर करना है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, अगर आप ये समझ जाएंगे दैट्स मीन कि आपको आवेश आ जाएगा, और आवेश अगर आ जाता है तो आप फिर समझ जाएंगे करंट क्या है, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल की सबसे छोटी, सबसे जो नींव है वो करंट से ही स्टार्ट होता है।
तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, सिर्फ एटम समझना पड़ेगा। और एटम के लिए मैंने बताया कि थ्री पार्टिकल्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और लास्ट में जो ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट तो लास्ट वाला जो ऑर्बिट है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन होता है। चलो अब करते हैं इन तीनों पार्टिकल्स पर जो चार्ज है, जो आवेश है वो क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर यहाँ मैंने प्रोटॉन को पी से डिनोट किया हुआ है, प्रोटॉन पर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और जो थर्ड पार्टिकल बचता है वो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। चलो एक पॉइंट यहां से ये मिल गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, दैट्स मीन कि प्रोटॉन पर जितना चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है, दोनों जब इक्वल हैं और अपोजिट हैं, दैट्स मीन कि एक दूसरे को कर देंगे ये नेगलेक्ट, दैट्स मीन कि ये इससे नेगलेक्ट हो गया, इस पे कोई चार्ज है नहीं, तो ऑल ओवर एटम पर नो एनी चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा पूरे एटम पर। अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो पूरे एटम के चार्ज की बात हुई, यहाँ देखेंगे कि अगर बात करते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन हाउ मैनी चार्ज, वन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अब ये कूलाम क्या है, कूलाम चार्ज की यूनिट होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। और ये एक पॉइंट है जो कि मोस्टली आपसे पूछा जाता है, अभी क्वेश्चंस में भी मिलेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन, अब बात आती है 1 प्रोटॉन पर कितना है, तो 1 प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा ये माइनस में है और ये हो जाएगा प्लस में, सेम चार्ज होगा। अभी पहले भी मैंने बताया कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम इस पर भी होगा, बशर्ते ये है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव में होगा और पॉजिटिव पर प्रोटॉन पर जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। ये आपका पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलो अब बात आती है यहां पर कि चार्ज मीन्स आवेश को यहां कैसे आपको पता करना है कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या आवेशहीन होता है, ये पता करना है। तो यहां पे देखेंगे किसी भी एटम में अभी मैंने बताया कि किसी भी एटम में जो ऑल ओवर चार्ज होता है वो तो जीरो होता है। सपोज दैट कि कहीं से भी स्पेस में कहीं से भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन लाकर इसके ऑर्बिट में फीड करा दिया। अभी तक ये न्यूट्रल था बट एक इलेक्ट्रॉन फीड कराने से इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और कितना, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन फीड कराया है, दैट्स मीन कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। दैट्स मीन कि अब ये जो एटम है वो चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, लेकिन कितना आवेश, कितने आवेश से आवेशित हो जाएगा, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम से। तो आपको समझ आया कि अगर किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज लाना है तो इसके लिए आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर फीड कराना पड़ेगा, और जब ये अंदर फीड होगा तो दैट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि ये जो एटम है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया है, दैट्स मीन कि इस पर ऋणावेश आ गया है। अब ये ऋणावेश की बात हो गई है, बात करते हैं धनावेश की। तो जाहिर सी बात है कि अभी तक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, सपोज दैट कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, यहाँ प्रोटॉन्स 2 है, होंगे ही, जाहिर सी बात है क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। सपोज दैट कि मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को
बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, बाहर निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि दो प्रोटॉन है, दैट मीन कि 2+ चार्ज इस पर है अंदर, लेकिन बाहर जो ऑर्बिट है इसमें सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को कर देंगे कैंसल आउट, बट ये प्लस तो बचा हुआ है ना, ये प्लस बचा हुआ है, दैट्स मीन कि अब इस ऑल ओवर एटम पर जो चार्ज रह गया है वो प्लस का रह गया है, दैट्स मीन कि पॉजिटिव चार्ज अब, और अब ये एटम हो चुका है पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स मीन कि धन आवेशित। तो ये धनात्मक, ऋणात्मक और आवेशहीन, जैसा कि पहले मैंने बताया है कि एटम पर जब कोई चार्ज नहीं था दैट्स मीन कि वो था आपका आवेशहीन, और चूंकि मैंने इसमें जब इलेक्ट्रॉन फीड कराया है तो वो ऋणावेशित हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो वो धनावेशित हो गया है। लेकिन अब यहाँ बात जो कह रहे हैं वो सिर्फ न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन जितना भी मैंने अभी पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि न्यूट्रॉन की यहाँ पर कोई मैंने बात ही नहीं करी है, और सबसे पहले मैंने बता दिया था कि न्यूट्रॉन पर नो एनी चार्ज, तो चाहे इसमें इलेक्ट्रॉन फीड कराओ या फिर बाहर निकालो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेशहीन है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा आवेशहीन। और अगर न्यूट्रॉन की बात ना करके अगर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते तो ये आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से फाइंड आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि विद्युतिक अपघट, दैट्स मीन कि इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है, तो इसमें आपको दो चीजें सीखनी है, क्योंकि अगर वो दो चीजें आप सीख जाएंगे तो पूरे जहां पर भी ये दोनों चीजें मिलेंगी वो आपको फिर कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। दैट्स मीन की धारा जो आप जानते हैं कि करंट होती है, और ये विद्युत अपघट दैट्स मीन की इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो करंट है, अभी मैंने जब आवेश पढ़ाया था आवेश, तो वही जब आवेश जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, वही जब आवेश किसी पर्टिकुलर टाइम में फ्लो होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम में फ्लो होता है, तो उसी को धारा कहते हैं। यहाँ से धारा की मैं डेफिनेशन दे दे रही हूँ, क्योंकि मैंने पीछे आवेश पढ़ा दिया है, इसीलिए आपको आराम से समझ आ जाएगा कि I इज इक्वल dQ अपॉन dt। इस पर बेस्ड भी अभी क्वेश्चन आएंगे आगे, तो मैं पहले बता दे रही हूँ कि I इज इक्वल dQ अपॉन dt, दैट्स मीन कि ये जो आवेश है जो पीछे मैंने बताया है, वो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी, तो अगर ये चार्ज किसी पर्टिकुलर टाइम में फ्लो हो रहा है, फ्लो होना दैट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन्स को मैं मूव करा रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज है, चार्ज को मैं क्या करा रही हूँ, मूव करा रही हूँ। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव होंगे किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो उस रेट को जो बोलते हैं वो करंट कहते हैं। यहाँ से ये करंट की डेफिनेशन भी है, और यहाँ से हम इसकी यूनिट भी फाइंड आउट करेंगे कि वैसे तो होता है कि करंट की जो यूनिट होती है दैट मीन की मात्रक जो होता है इसका, वो होता है एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसका एक मात्रक और हो सकता है, वो क्यू आवेश का मात्रक, अभी मैंने बताया है कि कूलाम होता है, कूलाम, और ये टी टाइम है, टाइम का मात्रक जो होता है वो होता है आपका सेकंड, दैट्स मीन कि आई का जो मात्रक है वो दो निकल के आता है, एक एम्पियर और एक कूलाम प्रति सेकंड, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आगे आएंगे उनमें आपको इन सब का यूज करना पड़ेगा, इसलिए आप पहले से सीखते चले इन सब चीजों को। तो यहाँ बात आती है अब इलेक्ट्रोलाइट की करंट। तो इलेक्ट्रोलाइट में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है, तो अभी आपको ये देखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑप्शन है, होल्स सेकेंड ऑप्शन है, आयन थर्ड ऑप्शन है, और न्यूट्रॉन फोर्थ ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो चारों ऑप्शंस गिवन हैं, ये एक्चुअली ऑप्शंस हैं क्या, क्योंकि अभी आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन दैट्स मीन कि फ्री इलेक्ट्रॉन
अभी तक इलेक्ट्रॉन आप जान रहे थे लेकिन आप मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं जान रहे थे। तो यहाँ आपको पता करना है पहले कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर आप जानेंगे कि आयन क्या है, फिर आप जानेंगे कि होल्स क्या है, फाइनली न्यूट्रॉन तो जैसे आपको पता ही है अभी जस्ट मैंने बताया। तो पहले ये ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन गिवन है पहले ये ऑप्शन देख लेंगे कि ऑप्शन में एक्चुअली क्या है, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैसे फ्लो हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आपको देखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए एटम था, पहले एटम था, एटम में ये न्यूक्लियस है, एटम में न्यूक्लियस है। तो जब इसका ये जो लास्ट ऑर्बिट होता है, इसमें भाई एक ही ऑर्बिट तो होता नहीं है एटम में, एटम में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। तो जो लास्ट ऑर्बिट होता है, लास्ट ऑर्बिट जो होता है, इस लास्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये वो इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिनका इस न्यूक्लियस से, जिनका इस न्यूक्लियस से कोई भी संबंध नहीं है। दैट्स मीन कि जो इलेक्ट्रॉन से इनका न्यूक्लियस से जो संबंध होता है वो सिर्फ एक फोर्स के थ्रू होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस इन फोर्स के थ्रू इनको इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रहता है। अब चूंकि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इन इलेक्ट्रॉन्स पर निग्लिजिबल है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है, निग्लिजिबल है। दैट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स पर जब कोई फोर्स ही नहीं है, जैसे आप, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का फोर्स होता है, आप घर में रहते हैं, पेरेंट्स का फोर्स होता है तो आप बाहर बहुत ज्यादा नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स का फोर्स ना हो आपके ऊपर तो आप क्या करेंगे, बाहर ही भागते रहेंगे। दैट्स मीन कि वो जो एक फोर्स है वो आपके ऊपर नहीं है, दैट मीन अब आप फ्री हैं, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप घर में तो रहेंगे नहीं, आप बाहर ही रहेंगे तब। तो ऐसे ही इसमें है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये जो न्यूक्लियस है इन पर इसका जो फोर्स है वो हावी नहीं हो पा रहा है, वो हावी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा या तो दूर है, या तो ये बहुत ज्यादा दूर है। तो क्या होगा कि इन पर जब ये फोर्स अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो ये कहेंगे कि भाई हमको यहाँ से जाना है, ये जाने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे, इनके पास इतनी एनर्जी है कि ये यहाँ से भाग जाएंगे। दैट्स मीन कि ये फ्री हैं, बट अभी भी ये लास्ट ऑर्बिट में है, अभी भी ये लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी रीजन से जब इस पर, जब इन इलेक्ट्रॉन्स पर कोई ऐसा हम फोर्स दे देते हैं, ऐसा कोई फोर्स दे देते हैं, जैसे कि आपके, आप अपने घर में अगर फ्री होते हैं, मम्मी पापा नहीं है, फ्री होते हैं, तो होता क्या है कि आप घर में फिर भी तब तक रहेंगे जब तक कि आपके दोस्त आपको बुलाने नहीं आएंगे। ऐसे ही इसमें होता है क्या, और वो आएंगे बुलाने, आप तुरंत चप्पल पहनेंगे और निकल लेंगे क्योंकि खेलने जाना है, मम्मी पापा घर में है नहीं। ऐसे ही इसमें होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर वैसे तो कोई फोर्स नहीं है लेकिन फिर भी ये अपने घर में ऑर्बिट में है। अब इनको जाना है बाहर, उसके लिए कोई आना तो पड़ेगा ना इनको बुलाने के लिए, और वो जो बुलाने वाला जो कैरियर है, वो जो इन इलेक्ट्रॉन्स को बुलाने वाला जो कैरियर है, वो आपका या तो कोई एनर्जी होगी जो कि हम इसे प्रोवाइड कराएंगे, दैट्स मीन कि वो थर्मल एनर्जी हो सकती है, वो थर्मल एनर्जी हो सकती है, या वो कोई बाहरी पोटेंशियल, वो कोई बाहरी पोटेंशियल हो सकता है जो कि इन पर अप्लाई किया जाएगा, जो कि इन पर अप्लाई किया जाएगा। आपकी जो पोटेंशियल के लिए बैटरी भी हो सकती है, नॉर्मली जो बैटरी होती है वो भी हो सकती है, वो भी एक पोटेंशियल का सोर्स होता है। तो यहाँ देखेंगे कि अभी मैंने सोर्स बता दिया कि किस तरीके से इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है। तो आपको समझ आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब इन पर न्यूक्लियस जब बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाता है, इनका फोर्स नेग्लिजिबल होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो ये आपस, ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जिन पर कोई फोर्स नहीं होता है न्यूक्लियस का, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो गई है। अब आते हैं होल्स पर, होल्स पर। यहां पर पहले जब ये इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पर पहले जब इलेक्ट्रॉन्स थे, किसी भी रीजन से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब घर में कोई है बच्चा, अगर वो बाहर कहीं खेलने चला जाता है तो उसकी कमी महसूस होती है कि नहीं। ऐसे ही सेम इसमें होता है,
इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और उस कमी का, दैट्स मीन इस कमी का ये मतलब है कि अब ये रिक्वायरमेंट कर रहा है, ये वाला, ये जो स्पेस है वो रिक्वायरमेंट कर रहा है कि अब कहीं से भी किसी भी तरीके से वो जो इलेक्ट्रॉन गया है वो अंदर आ जाए। तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज लेने की इसकी क्या है, इच्छा है, क्योंकि ये अब खाली हो चुका है। लेकिन ये चाह रहा है, जैसे बच्चा भी घर से निकल जाता है बाहर तो एकदम क्या होता है कि सूना सूना लगता है, तो सोचते हैं लोग कि नहीं बाहर से जो बच्चा गया है बाहर, अब आ जाए जल्दी। तो ऐसे इसमें होता है कि जब ये स्पेस हो गया है, तो ये स्पेस ये कह रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ से वो अंदर आ जाए। दैट्स मीन कि जब इलेक्ट्रॉन को कोई भी चीज़ अपने पास बुलाती है, वो जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव ही होगा। इलेक्ट्रॉन को जब कोई भी चीज़ बुलाएगी, दैट्स मीन वो पॉजिटिव ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को जो अट्रैक्ट करता है वो सिर्फ नेगेटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज को जो अट्रैक्ट करता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को कभी अट्रैक्ट नहीं करता है, ना ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। बस इसमें यही खेल है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर कोई बुला रहा है, दैट्स मीन कि जाहिर सी बात है वो अपने आप में पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है। दैट्स मीन कि इसमें ये जो स्पेस है, ये स्पेस अगर कोई किसी इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, दैट्स मीन कि ये चाह रहा है, ये बात चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, दैट्स मीन कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज होने की पूरी प्रॉपर्टी है। दैट्स मीन कि आप कह सकते हैं कि जो होल है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। दैट्स मीन कि इस पर कौन सा आवेश होगा, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपको समझ आया कि एक्चुअली में होल क्या है, होल ये है, इसकी बात हो रही है होल, ठीक है। अब आता है आपका आयन। आयन क्या है? आयन नॉर्मल सी बात है, एक आयन की बात आती है यहाँ पे। बात अभी एटम की ही चल रही है। जब इसके लास्ट ऑर्बिट में सपोज दैट कि दो इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दो हैं यहाँ पर, मैंने किसी भी रीजन से इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स जब फीड कराएंगे इनमें, दैट्स मीन कि जब ये पहले तो ये न्यूट्रल था, ये पहले एटम न्यूट्रल था, लेकिन बाहर से जब दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फीड कराएंगे, दैट्स मीन कि इस पर जो हावी हो गया है वो टू इलेक्ट्रॉन हावी हो चुके हैं, और ये टू इंटू इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो आपका -1.6×10⁻¹⁹ है। इतना इसका आवेश है। अब कह सकते हैं कि ये एटम आवेशित हो गया है या आवेशित हो गया, और जब कोई किसी चीज पर आवेश आ जाता है तो उसे बोलते हैं कि वो चीज आयनाइज्ड हो गई है। आयनाइज, दैट्स मीन कि अब ये क्या बन गया है, आयन। लेकिन आयन हर चीज नहीं बनती है। दैट्स मीन कि अगर आप लिक्विड है, अगर कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है या कोई गैस है, तो सिर्फ लिक्विड और गैस में ही आयन्स बनते हैं, कभी सॉलिड में आयन नहीं बनते हैं। तो इसका रीजन क्या है, देखते हैं। कोई भी लिक्विड है, सपोज दैट कि NaCl कोई लिक्विड है, या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा H2SO4, तो NaCl और H2SO4, अगर ये लिक्विड है तो इनको जब तोड़ते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कि Na+ और Cl- बोलते हैं कि Na+ और Cl-, और Na पर जो प्लस है उसे बोलेंगे कि सोडियम आयन।
अब ये आयन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन, क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, ये नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव आयन है, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयन है। दैट्स मीन कि आपका सीधा सीधा कोरिलेशन जो निकलता है वो चार्ज, वो चार्ज और आयन का यही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, दैट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन्स या तो निकाले जाए या फिर फीड कराए जाए, तो उससे क्या बनते हैं आपके आयन्स बनते हैं। अब यहाँ बात आती है, तो यहाँ तो आयन की बात हो गई, अब आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो आपको पता ही, अब इससे पहले मैंने बताया कि इसमें इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो विद्युत अपघट, दैट्स मीन कि इलेक्ट्रोलाइट, और आपको अभी मैंने जस्ट बताया है कि लिक्विड और गैस, इनमें लिक्विड और गैस में जब इनको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आयन्स में टूटेंगे। ये किसमें टूटेंगे? आयन्स में टूटेंगे, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दे दिया। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? लिक्विड है। इलेक्ट्रोलाइट का एक दो एग्जांपल जो है वो मैंने ये दे रखा है, NaCl भी एक इलेक्ट्रोलाइट, एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। और सबसे ज्यादा जो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट की जगह यूज होता है वो आपका H2SO4 होता है। अब H2SO4, अब आप ये सोचेंगे कि NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटा क्यों? वो इसलिए टूटा है क्योंकि मैंने इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रोवाइड कराई होगी इलेक्ट्रिसिटी। सपोज दैट ये कोई जार है, सपोज दैट ये कोई जार है, जार में एक इलेक्ट्रोलाइट फिल है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज दैट की कोई भी इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है, H2SO4। अब इस H2SO4 में जब मैंने यहाँ से इन इन दो निडल को, दैट्स मीन कि आप इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, इन इलेक्ट्रोड को बाहर से मैंने कोई सप्लाई दे दी, कोई सप्लाई मैंने दे दी, दैट्स मीन पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट होगा। सप्लाई आप किसी भी चीज़ से, बैटरी से दे सकते हैं, डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं। तो अब इसमें चूंकि H2SO4 भरा हुआ है, दैट्स मीन कि अब यहाँ से सप्लाई आएगी, यहाँ से सप्लाई आएगी, तो ये जो H2SO4 है इनको इनके आयन्स में, इनको इनके आयन्स में तोड़ देगी। दैट्स मीन कि H2SO4 जो डिवाइड हो जाएगा वो H2H प्लस आयन और SO4 डबल माइनस आयन, SO4 डबल माइनस आयन और 2H प्लस आयन, दैट्स मीन 1 प्लस 2 लगा हुआ, दैट्स मीन 2 प्लस ये होगा, 2 माइनस वो होगा, इतना हो गया। तो बस क्वेश्चन यही था आपका कि विद्युत अपघट, दैट्स मीन कि इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स मीन कि लिक्विड, दैट्स मीन कि H2SO4 का प्रवाह किसके कारण से होता है, किसके कारण से होता है? तो अभी मैंने जस्ट बताया है कि किसके कारण से होता है, H प्लस और SO4 माइनस, और ये प्लस और माइनस जो है वो आपके आयन है, दैट्स मीन आपका आंसर जो होगा वो आयन्स होगा, वो क्या होगा? आयन। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन, दैट्स मीन कि फ्री इलेक्ट्रॉन, मेनली तो करंट इसी से फ्लो होती है, तो ये किस में होता है? तो बेटा ये होता है आपका सॉलिड में, ये होता है आपका सॉलिड में। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर कर लो, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये हमेशा आते ही है, ये हमेशा आएंगे आपके। तो यहाँ से पता चलता है कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जो धारा का प्रवाह होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, लेकिन जो लिक्विड और जो गैसेज है, लिक्विड और गैसेज, उनमें जो धारा का प्रवाह होता है वो होता है आपका आयन की वजह से, वो होता है आयन की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण करना करने पर रेशम होगा, दैट्स मीन कि एक कांच का टुकड़ा लिया, एक कांच का, चूंकि मैंने आवेश आवेश सब पढ़ा दिया है, अब आपको आराम से समझ आ जाएगा कि एक कांच का टुकड़ा है और एक रेशम का टुकड़ा है। जब कांच के टुकड़े में रेशम के टुकड़े को रगड़ा जाता है तो होता यह है कि कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन्स हटा देता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है और जो रेशम के टुकड़े पर जाके जमा कर देता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपको पता ही अभी मैंने बताया कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दैट्स मीन कि ये पूछ क्या रहा है, रेशम होगा, रेशम पूछ रहा है। तो आपको अभी मैंने बताया कि रेशम पर तो इलेक्ट्रॉन्स बैठ रहे हैं ना, दैट्स मीन कि वो हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज, ऋण आवेशित, ये हो जाएगा ऋण आवेशित।
ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, कूलाम के अनुसार, तो सबसे पहले कूलाम का नियम समझ लेंगे। कूलाम का नियम जो होता है, सपोज दैट कि दो आवेश रखे हुए हैं, अब आवेश ये सब मैंने बता दिया, दो आवेश रखे हुए हैं, सपोज दैट Q1 और Q2 किसी भी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सपोज दैट कि ये डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, डी डिस्टेंस पे Q1 और Q2, इन पर जो फोर्स लगेगा, इन पर जो फोर्स लगेगा सपोज दैट कि वो एफ लगने वाला है एक दूसरे, ये Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा, Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा, ये जो फोर्स होगा वो, अब इस फोर्स की जो वैल्यू होगी, फोर्स की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी, ये फोर्स की जो वैल्यू डिपेंड करेगी Q1 और Q2 दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के, और यही फोर्स की जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो एंटी प्रोपोर्शनल होगी, एंटी प्रोपोर्शनल किसके, इन ये दोनों आवेश जितनी भी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं उनके, दैट्स मीन की डी। और अगर इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, तो ये दोनों जब इक्वेशन मैच करेंगी तो बनेगा एफ एफ टू टाइम्स है, वन टाइम्स एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 लिखेंगे और अपॉन में आपका डी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर था डी स्क्वायर, ये आपका जब दो आवेश किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पूछा गया है, अच्छा ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल जब साइन हटाएंगे यहाँ से तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 / d² ये हो जाएगा पूरा। तो इसमें है कि कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दैट्स मीन की दिस, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, सही बात है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये मैंने बताया, दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है डी, इनके वर्ग के स्क्वायर है ना, वर्ग के 1/2 में है तो व्युत्क्रमानुपाती, सही बात है। और निर्वात की परावैद्युतशीलता ε0 पर निर्भर, ये जो ε0 है इस पर निर्भर कर रही है, हाँ कर रही है, क्योंकि ये इसके फॉर्मूले में है, दैट्स मीन कि इस पर निर्भर कर रही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, दैट्स मीन कि आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ डी, उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं, विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं, तो देख लेते हैं विद्युत बल रेखाएं। सबसे पहले अभी जो चार्ज मैंने बताया है, चार्ज जो बताया है, सपोज करूं कि अभी मैं चार्ज पूरा ले रही हूँ, पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से जो ये रेखाएं निकलेंगी वो अपवार्ड डायरेक्शन में, दैट मीन की ऊपर की तरफ निकलेंगी, और इन्हीं रेखाओं को बोला जाता है विद्युत बल रेखाएं, इन्हीं रेखाओं को बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं, ये यहाँ से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर कहीं से भी आते हुए करेंगी इंटर इसी पर, इस पर ये क्या करेंगी, इंटर करेंगी, अंदर जाएंगी, तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, तो ये निकलने, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने की डायरेक्शन को शो करा रहा है, इसीलिए इनको बोलेंगे कि विद्युत बल रेखाएं, ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं। और नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स कहीं से अंदर आते हैं, दैट्स मीन कि ये अंदर आने के लिए है, इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं, खत्म होती है, दैट्स मीन कि अंदर आ जाती है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रही है, ये तो स्टार्ट हो रही है निकलना, खत्म हो रही है ये नेगेटिव पर, दैट्स मीन कि यहाँ पे आंसर हो जाएगी कि धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है, तो यहाँ मात्रक यूनिट पूछी गई है, तो यहाँ देख लेते हैं कि चालकता, एक्चुअली चालकता क्या है, कंडक्टिविटी है, दैट्स मीन कि कोई भी अगर वायर है इस पर अगर बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे बैटरी लगाएंगे तो ये कंडक्ट करेगा,
ये कंडक्ट करेगा, दैट मीन कि इसको छूने पर हमें करंट लगेगा, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी। तो इस चालक की कंडक्टिविटी कैसे पता है, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर है। अब यही कोई इंसुलेटर होता तो इसे टच करते, यहाँ पे लकड़ी वकड़ी होती तो हम टच करते तो हमें कोई भी असर नहीं पड़ता, लेकिन ये कंडक्टर है। अब चूंकि इसकी यूनिट पूछी गई कंडक्टिविटी की, यहाँ पे यूनिट, तो कंडक्टिविटी समझ आया कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, दैट्स मीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा फ्लो होंगे उतनी ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी इसकी कंडक्टिविटी, दैट्स मीन कि यहाँ ये जो बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है, इसके थ्रू जब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स ही तो निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो जा रहे हैं, दैट्स मीन कि ये कंडक्टिव है, इसमें कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन्स इससे फ्लो नहीं हो पाते, दैट्स मीन अगर यहाँ कोई लकड़ी वकड़ी होती तो इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो बैटरी के नहीं हो पाते, तो हम कह रहे थे इसकी कंडक्टिविटी जीरो है। इसकी कंडक्टिविटी क्या है, जीरो। अब क्योंकि यहाँ पे यूनिट पूछी गई है, तो पहले मैं बता दूं कि आर रेजिस्टेंस आपने पढ़ा ही होगा कि जो करंट फ्लो के लिए उन अवरोध का काम करते हैं, रोकते हैं, तो वो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इस रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन करंट के इक्वल होता है, ठीक है, ये अप्लाइड वोल्टेज अपॉन करंट। और इसकी वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, करंट की जो यूनिट होती है अभी मैंने बताया एम्पियर होती है, दैट्स मीन कि जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो वोल्ट अपॉन एम्पियर भी होती है, और जो दूसरी यूनिट है इसकी वो होती है ओम, जो दूसरी यूनिट है वो होती है ओम। ये तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई, लेकिन यहाँ चालकता की यूनिट पूछ रहा है, चालकता। तो रेजिस्टेंस अवरोध उत्पन्न करता है, तो जाहिर सी बात है कि चालकता क्या करेगी, करंट को फ्लो होने के लिए बोलेगी कि भाई तुम फ्लो हो जाओ, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करेगा, रोकेगा। तो एक दूसरे के जस्ट है अपोजिट, दैट्स मीन कि रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है चालकता, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है चालकता। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ओम जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस की है, और फैराडे है वो कैपेसिटेंस की, अभी चूंकि कैपेसिटेंस नहीं पढ़ा गया, हेनरी जो है वो एल की है, इंडक्टेंस की है, और यहाँ साइमन आपकी चालकता की यूनिट होती है, साइमन आपकी चालकता की यूनिट होती है। बस यहाँ एक क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट है, किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखना यह है कि आयतन में परिवर्तन नहीं किया जा रहा, दैट्स मीन कि अब जो तार है उसको सिर्फ खींचा जा रहा है। तो आपको पता है कि कोई अगर इतना मोटा अगर कोई वायर है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो कुछ और होगा, जितना भी है अगर मैं इसको खींच दूँ तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका पतला हो जाएगा, दैट्स मीन कि लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन जो यहाँ का जो एरिया है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि L लंबाई पहले थी किसी भी चालक की, पहले L लंबाई थी यहाँ पे L, और एरिया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ रहा होगा A। अब क्या किया है, इसी को पकड़ के खींच दिया है, दैट्स मीन कि सपोज कि इतना कर दिया इसको 3L कर दिया गया, 3L। तो ये पहले L था, अब जो हो गया वो 3L हो गया है। तो इन्होंने पूछा है कि उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध। तो आपको मैं पहले बता दूं कि लेंथ और एरिया के लिए जो रेजिस्टेंस R इज इक्वल होता है रो एल अपॉन ए। इस चालक, ये जो कंडक्टर मैंने बनाया है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो, इसका जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है इसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंटू इस कंडक्टर की लेंथ अपॉन इसी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो। इतना होने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जब इस वायर को खींचा जा रहा है, जब आयतन बढ़ाने वाली बात होती तो डायरेक्टली हो जाता, लेकिन ये खींचने वाली बात कर रहे हैं, दैट्स मीन कि अगर L की वैल्यू हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो A की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी कि नहीं। अभी मैंने बताया खींचेंगे तो ये कम हो जाएगा ना, ये वाला एरिया खींचने पे पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये कम होगा, लेकिन किस एवरेज में कम होगा वो R स्क्वायर के एवरेज में कम होगा। दैट्स मीन कि अगर इसकी लंबाई
को खींच के हम 3L कर रहे हैं, तो जो उसका प्रतिरोध है, जो उसका प्रतिरोध है वो 3L square होगा। दैट्स मीन कि 3L square, और ये होगा 3 into 3 हो जाएगा 3 into 3, दैट्स मीन कि 9 into L। जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना अफेक्टेड होगा, 9, दैट्स मीन कि 9 गुना, कितना होगा 9 गुना, ये हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। तो बहुत जल्दी से ये देख लेते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है कि प्रतिरोधों को, दैट्स मीन कि अभी जो मैंने आर की बात की थी, जो रेजिस्टेंस की बात की थी, उसका सिंबल क्या होता है, उस रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो आर होता है, उस रेजिस्टेंस का सिंबल आर होता है, और इसका जो इसे रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है, रिप्रेजेंट करने वो इस तरह से होता है। तो अब ये रेजिस्टेंस है, इनके हम कॉम्बिनेशंस कितने बना सकते हैं, तो जो अभी हम बेसिकली पढ़ते हैं इन रेजिस्टेंस के, जो बेसिकली हम कनेक्शंस पढ़ते हैं, वो एक तो सीरीज कनेक्शन होता है, एक आपका पैरेलल कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में है, दैट्स मीन कि एक रेजिस्टेंस सपोज दैट कि R1 ये है, इसके ही सीरीज में लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस R2। अब एक जो कनेक्शन है वो पैरेलल वाला होगा, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, एक R ये है R1, और इसी को मैंने पैरेलल लगाया, दैट्स मीन इसी के जस्ट पैरेलल ऐसे लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये पैरेलल हो गया और ये सीरीज में हो गए। अब यहाँ देखेंगे कि करंट और वोल्टेज क्या ये बोल रहे हैं, तो इनका बोलना ये है यहाँ पे कि जब ये वाला पॉइंट यहाँ लाएंगे, ये वाला, और इन दोनों के बीच में लगा देंगे एक बैटरी, जब बैटरी इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज, और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से निकलेगी यहाँ से करंट, ये वोल्टेज हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी करंट। ऐसे ही इसमें यही बैटरी, सेम बैटरी मैंने पैरेलल कनेक्शन में लगाई है, तो ये देखो ये वोल्टेज, ये यहाँ से निकलेगी करंट। अब देखते हैं कि डिवाइड कौन कौन हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है, तो इसको देखते हैं कि ये जो करंट है वो करंट जाएगी, देखो कैसे जा रही है, यहाँ से जाएगी ऐसे, और फिर दैट्स मीन कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकली और सीधा नेगेटिव टर्मिनल में एंटर की, कहीं और गई क्या, कहीं कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसमें करंट यहाँ से आएगी, यहाँ जाएगी, यहीं रुक जाएगी और पूछेगी कि भैया यहाँ तो दो पाथ है ना, एक ये है, यहाँ जाने का दो पाथ है ना, एक यहाँ से भी जा सकती है ऐसे, और दूसरा यहाँ से भी जा सकती है ऐसे, दो पाथ है, तो किससे जाएगी, वो दोनों से जाएगी। तो ये जो करंट है वो दोनों से होकर जाएगी, दैट्स मीन की पैरेलल में करंट डिवाइड हो रही है, लेकिन वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जो इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस होगा, दोनों सेम है, क्योंकि ऊपर नीचे लगे हुए हैं, और जो आपका वोल्टेज जो अप्लाई होगा वो पैरेलल में ही अप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करंट क्या है, कि करंट कोई दूसरा पाथ मिला नहीं, एक ही पाथ है, तो जो दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम फ्लो हो रही है, कोई पाथ नहीं है, लेकिन जो वोल्टेज है, वोल्टेज वो पैरेलल में तो लगा है, लेकिन दोनों के पैरेलल में, तो कुछ इसको देगा वो, कुछ इसको देगा। सपोज दैट कि अगर ये 5 था तो ये 3 इसको दे देगा और 2 इसको दे देगा, तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं, करंट सेम है, और पैरेलल में करंट डिवाइड हो गई है लेकिन वोल्टेज आपका सेम है। यही क्वेश्चन था कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर, दैट्स मीन कि इस क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है, तो विभव सेम रहता है समान, और विद्युत धारा आपकी डिवाइड हो गई, दैट्स मीन कि भिन्न भिन्न हो जाती है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है, ये 9th क्वेश्चन है कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है, तो देखिए
क्या है कि पृथ्वी की धारिता, दैट्स मीन कि अभी आपको करना क्या है, यहाँ धारिता से क्या मतलब है, धारिता क्या होता है कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। तो यहाँ देखेंगे कि जो चार्ज है, यहाँ जो चार्ज है क्या करते हैं कि हम अपने जितने भी अप्लायंस होते हैं उनको, उनकी अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग क्यों करते हैं? क्योंकि अर्थ की जो हमारी कैपेसिटी होती है, आप कितना भी उसमें चार्ज, इलेक्ट्रॉन कुछ भी डालते रहो, वो सबको एब्जॉर्ब अपने अंदर कर लेता है। इसलिए कितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें, कितने भी ट्रांसफार्मर रखे हों, कितने भी ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जितने भी जनरेशन तक, वहाँ जितने भी अप्लायंस होते हैं सारे क्या कर दिए जाते हैं, अर्थ कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो स्टोर करने का, जो चार्ज को स्टोर करने का, इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने का, पृथ्वी एक भंडार है। दैट्स मीन कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की जो धारिता है, दैट्स मीन कि चार्ज को जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, वो आपकी इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। आप कुछ भी उसमें, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को आप उसमें अर्थ कर देंगे, जितना भी लीकेज है वो उसके अंदर फीड करा लेगी अपने अंदर। इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो धारिता है वो आपकी इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है, आता है कि संधारित्र कार्य करता है। अभी मैंने धारिता बताया, तो धारिता, धारिता दैट्स मीन कि चार्ज को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना, अभी तो ये अर्थ था। दैट्स मीन कि आपकी पृथ्वी भी एक एज अ कैपेसिटर वर्क करती है, एक संधारित्र की तरह वर्क करती है। दैट्स मीन कि ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति जो आवेश को अपने अंदर स्टोर करती है, ऐसी युक्ति जो आवेश को अपने अंदर क्या करती है, स्टोर करती है, उसे कहते हैं संधारित्र। उसे क्या कहते हैं? संधारित्र। तो पृथ्वी भी देखो चार्ज को स्टोर कर रही थी, इसीलिए कह सकते कि पृथ्वी आपकी क्या है, संधारित्र है। तो यही कहा गया कि संधारित्र काम कार्य करता है, तो कार्य करता है केवल एसी पर, केवल डीसी पर, या एसी एवं डीसी दोनों पर, या ना ही एसी पर ना ही डीसी पर। तो यहाँ देखेंगे कि एसी डीसी क्या है। एसी आपको पता ही होगा कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी ये होती है आपकी एसी अल्टरनेटिंग करंट। दैट्स मीन कि ये टाइम है, ओमेगा टी इसका क्या है, ये टाइम है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में ये देखो हर पल बदल रही है ना। यहाँ, यहाँ पर देखो इतनी थी, यहाँ पर देखो इतनी ज्यादा हो गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो जीरो हो गई है, जीरो है ये, जीरो, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर से मैक्सिमम हो गई है, यहाँ पे ये करंट है। तो ये क्या है, अल्टरनेट हो रही है। दैट्स मीन कि चेंज हो रही है, क्या हो रही है, अल्टरनेट हो रही है। लेकिन डीसी, डीसी दैट्स मीन कि डीसी का फॉर्म डायरेक्ट करंट। दैट्स मीन कि ये किसी भी टाइम में क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। ये इसका सिंबल है डीसी का, डीसी करंट है, ये चेंज नहीं होती है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि संधारित्र कार्य करता है केवल एसी पर, केवल डीसी पर, या एसी एवं डीसी दोनों पर, या ना ही एसी पर ना ही डीसी पर। तो मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा जो सिंबल होता है ये जानने का, कि अगर ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ये सिंबल है, कैपेसिटर का ये सिंबल है। तो ये एक याद करने की ट्रिक है, कैसे कि जब यहाँ से करंट जाएगी, सीधी वाली, सीधी वाली जा रही है, सीधी वाली करंट क्या माना है मैंने, ये माना है ये। तो सीधी करंट जाएगी, देखेगी कि यहाँ तो भैया दीवाल है, हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। दैट्स मीन कि ये डीसी, ये सीधी सीधी जो जा रही है वो डीसी है। तो ये डीसी पर वर्क नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसको अंदर अपने पास करा ही नहीं रहा है। दैट्स मीन कि डीसी पर वर्क नहीं कर रहा है। और अब एसी की बात होती है, एसी क्या है कि कूद रही है ना, ऐसे कूदती चली जा रही। तो डीसी आएगी ऐसे ऐसे करते हुए आएगी, और ये देखेगी कि यहाँ गड्ढा है, तो ऐसे अपने आप को उछालेगी ऐसे, और फिर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटर से ये एसी निकल गई, एसी का फॉर्म यही तो है, यहाँ से ऐसे ऐसे अल्टरनेट करते हुए एसी निकल गई। दैट मीन कि ये कैपेसिटर से एसी चली जा रही है, निकल जा रही है। इसका मतलब है कि संधारित्र कार्य जो करता है वो केवल एसी पर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डीप भी हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में चीज़ें जो बतानी पड़ती हैं वो थोड़ा डीपली बतानी पड़ती हैं। अब आप लोग जब करंट और आवेश ये सब चीज़ें जान गए, वोल्टेज जान गए, रेजिस्टेंस जान गए, तो अब प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप लोग कंटिन्यू और एकदम से मतलब फ्लुएंसली कुछ भी करते जाएंगे यहाँ पे, और आपको समझ आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, आज के लिए बस सिर्फ 10 क्वेश्चन हो पाया, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आपको अच्छा जैसा भी समझ आया, आपका रिव्यू बताएगा वो तो कि आपको समझ आया कि नहीं आया, तो जैसा भी रहेगा। अब कल से नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो कल से स्टार्ट होंगे, और नियर अबाउट 40 to 50 एवरेज रहेगा डेली का, ठीक है। थैंक यू।